हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस वाई स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। एंड प्रूव हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, डेरिवेटिव के चैप्टर से ये क्वेश्चन है एंड पर्टिकुलरली ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्वेश्चन है, राइट? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की बजाय कुछ सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर हम करेंगे। वो क्या हैं? वन माइनस एक्स स्क्वेयर फर्स्ट टर्म है हमारी एंड सेकेंड टर्म है वन माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर आप एक्स के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को मैं अज्यूम करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। x को मैंने साइन ए अज्यूम किया है एंड y को यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ बी, करेक्ट? x को साइन ए अज्यूम किया एंड y इज साइन ऑफ बी। अब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस एक्स के जगह आपने क्या पुट किया है? साइन ए, इसलिए दिस इज, सो दिस इज साइन स्क्वेयर ए प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? साइन बी, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वेयर बी विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। नाउ सी व्हाट इज एक्स? एक्स इज साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए माइनस वाई। व्हाट इज वाई? वाई इज साइन ऑफ बी, करेक्ट? नाउ एलएचएस में हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वेयर ए है एंड वन माइनस साइन स्क्वेयर यू नो इज कॉस स्क्वेयर ए, और कॉस स्क्वेयर अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए। सो यहाँ पर सिंप्लीफाई होके जो टर्म आएगी वो हमारी होगी कॉस ऑफ ए प्लस वन माइनस साइन स्क्वेयर बी। वन माइनस साइन स्क्वेयर बी इज कॉस स्क्वेयर बी एंड इस टर्म को अगर हम रूट से बाहर लिखते हैं देन इट विल बी कॉस ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, करेक्ट? दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ पर आप कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्लास 11 से आपने कॉस ए प्लस कॉस बी स्टडी किया था, वहाँ पर दैट इज टू कॉस ए प्लस बी टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू, राइट? दिस इज इक्वल टू एंड राइट साइड में आपके पास है ए इन टू, ए एज इट इज रहेगा एंड साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी के ऊपर भी आप साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सो इट इज टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इन टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। आई थिंक ये आइडेंटिटी आपको लर्न होंगी क्लास 11 से, राइट? अब अगर हम एलएचएस और आरएचएस को देखते हैं, एलएचएस में हमारे पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी और सेम टर्म आरएचएस में भी है। एलएचएस में आपके पास है कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड सेम टर्म आपके पास आरएचएस में भी है ए प्लस बी बाई टू। दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो सकती हैं, टू कैंसिल हो सकता है, राइट? अब देखिए ज़रा एलएचएस में हमारे पास अब क्या टर्म बाकी बची है। LHS is now cos A minus B by 2. What is LHS? Cos A minus B upon 2. And in RHS we have A into sin of A minus B by 2. A into sin of A minus B upon 2. Correct? Now, sorry. कॉस ए माइनस बी बाई टू आर एच एस में हमारे पास है साइन ए माइनस बी बाई टू। आर एच एस से हम साइन ए माइनस बी बाई टू को लेफ्ट में ले आएंगे, सो इट इज
cos a minus b upon 2 upon sine of a minus b upon 2, correct? अब हमारे पास RHS में only a is a बाकी बचा हुआ है, ठीक है? अगर LHS को देखा जाए, cos upon sin, angle दोनों में एक जैसा है, same angle है, cos upon sin is cot a minus b by 2, cot a minus b upon 2, LHS हमारी हो गई cot of a minus b by 2, RHS में सिर्फ क्या है हमारे पास, a only, right? Now, cot को अगर हम right side में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं, a minus b upon 2, LHS हमारी, cot को हम right में लेके जाएंगे, तो LHS में बाकी क्या बचेगा, only a minus b by 2, which is equal to, cot right side में जाकर क्या हो जाएगा, cot inverse of a, correct? Now, LHS को देखिए जरा, 2 को भी हम right में multiply कर देंगे, right? So, LHS में हमारे पास बाकी बचेगा a minus b upon 2. LHS में क्या बाकी, sorry, a minus b बचेगा, upon में 2 नहीं बचेगा, क्योंकि 2 को हम right side में ले जाएंगे. So, left side में a बाकी बचा, a minus b is equal to 2 cot inverse of a. Correct? This implies. What is a? A क्या है? देखिए जरा. A हमने क्या substitute किया था? यहां से देखिए. X is equal to sin a. X is equal to sin a. अगर आप a की value find करना चाहते हैं, तो आपको sin को left side में लिखना होगा. Right? तो sin left side में आके क्या हो जाएगा? Sin inverse x. और right में क्या बचेगा? सिर्फ a. Right? So, A की value यहां से हमारे पास क्या आ गई? Sin inverse x. Right? Similarly, आप यहां से B find करेंगे. Right? Y को आपने sin B put किया है. So, B के आपकी value क्या होगी? B will be sin inverse of y. Sin inverse of y is equal to B. Correct? A, B की value आपके पास आ चुकी है अब. So, A के जगह पर आपको क्या put करना है? A के जगह पर आप put करेंगे sin inverse of x. इसलिए a के जगह पे मैं लिख रहा हूँ sin inverse of x. ये minus का sin as it is रहेगा, right? And b क्या है देखिए जरा, b है sin inverse of y. इसलिए मैं b के जगह क्या लिख रहा हूँ, sin inverse of y. This is equal to 2 cot inverse of a. Correct? Now, अभी तक हमने इसको differentiate नहीं किया, just simplify किया है. अब हम इसको differentiate करेंगे sin inverse x. Now derivative of sin inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square. Minus sin as it is रहेगा and differentiation of sin inverse y. And derivative of sin inverse y क्या होता है? 1 upon under root of 1 minus y square dy. Sorry. dy by dx is equal to, now right side को देखिए, left side का derivative हमने कर दिया है, right side क्या है? 2 cot inverse a, इसका derivative भी आपको करना है, cot inverse a, इस term में x भी नहीं है, y भी नहीं है, दोनों में से कोई term नहीं है, so it is constant, and you know, derivative of a constant term is always 0, अगर independent constant है, तो उसका derivative क्या होता है? 0, correct? Now, this implies 1 minus x square, 1 upon 1 minus, पहले y square को लिखते हैं, 1 minus y square into dy by dx, ये left side में as it is रहेगा, और 1 minus x square को हम right side में shift कर देते हैं, so minus of 1 upon 1 minus x square, ठीक है? Left side के minus से, राइट साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड हमें dy by dx फाइंड करना है सो फ्रॉम दिस स्टेप dy by dx इज 1 minus y square को आप राइट में मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज 1 minus y square अपॉन 1 minus x square अंडर रूट
अंडर रूट को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे इकट्ठा अगर लगाते हैं तो आपका डीवाई बाई डी एक्स होगा, डीवाई बाई डी एक्स विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। प्रूविंग में शायद मैंने वहाँ पर उल्टा लिख दिया हो, एक्स स्क्वेयर ऊपर है और वाई स्क्वेयर नीचे है, जबकि ये होना चाहिए इट शुड बी वाई स्क्वेयर एंड इट शुड बी एक्स स्क्वेयर, राइट। सो यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। सो नाउ डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इज 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, राइट।